हेलो बच्चों बच्चों, हमारी रिवीजन सीरीज के अंदर हमने चैप्टर वाइज रिवीजन्स तो कर लिए हैं और चैप्टर वाइज वर्कशीट्स भी आपके साथ डिस्कस कर ली है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और उन वर्कशीट्स और उन वीडियोस से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा। तो बच्चों, अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज से जो हमारी वीडियोस आ रही हैं, इसमें अब हम अपने सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। इन वीडियोस का पूरा बेनिफिट लेने के लिए आप कोशिश करना कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, उसको चाहे तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना, उसके बाद फिर मेरे उस डिस्कशन को सुनना जो भी हम उस क्वेश्चन के बारे में करेंगे। एग्जाम में जो हमारा पेपर आएगा, पूरा का पूरा इसी तरह के क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। हम जिस किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किताब है एपीसी बुक्स की, अकाउंटेंसी की, डी के गोयल सर की, जिसका सैम्पल पेपर वन हम आज की इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, कोशिश करना सारे क्वेश्चंस आप अपने साथ साथ ही सॉल्व करो। चाहे वीडियो को पॉज करना पड़े तो पॉज कर देना बीच में, लेकिन सॉल्व जरूर करना, तभी आपको इस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर सारे क्वेश्चंस डिस्प्ले करके ही आपको सॉल्व करवाऊं, सो दैट अगर आप अपनी बुक से भी ना देख पाओ तो यहाँ से देख के ही मेरे साथ साथ कर पाओ। तो शुरू करते हैं बच्चों हम अपना सैंपल पेपर नंबर वन का डिस्कशन क्वेश्चन नंबर वन के साथ। क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है, मैनेजर्स कमीशन विल बी रिकॉर्डेड। अब मैनेजर्स कमीशन की अगर मैं बात करूं, मैनेजर्स कमीशन जो होता है वो हमारे पार्टनरशिप में एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो कोई भी चीज अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, मैनेजर्स कमीशन विल बी रिकॉर्डेड इन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, इसमें कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बार बच्चे गलत करते हैं। तो इसका आंसर सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, या डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, सोचो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म के हिसाब से एक अप्रोप्रिएशन है, तो हम उसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। और क्योंकि फर्म को ये पार्टनर को देना होता है तो वो पार्टनर के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करती है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो हम वो आईओसी उसके करंट अकाउंट में देंगे, और अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम ये उसके कैपिटल अकाउंट में देंगे। लेकिन जब क्वेश्चन साइलेंट हो और कभी भी साइलेंट में मतलब कुछ ना बोले तो हम ये मानते हैं कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो यूजिंग दैट लॉजिक हमारा जो सही आंसर इसका होगा वो होगा क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो इसमें काफी बच्चों को लगता है कि ए ऑप्शन होगा, और मैं जानता हूं आपने भी शायद ए भेजा होगा या ए सोचा होगा, तो आपका एक नंबर कट गया है, मुबारक हो। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो पॉज करके जरूर अपने आप सॉल्व करना मेरे डिस्कशन सुनने से पहले, सो दैट आपका भी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो। ऐसा ना हो कि खाली देखा, डिस्कशन सुन लिया, हो गया, हा हा हा, नहीं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। गंगा एंड त्रिवेणी वर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। तो गंगा और त्रिवेणी जो है ये दो पार्टनर्स हैं जिनकी हमें कैपिटल 2 लाख और 4 लाख दे रखी है। सरस्वती वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। अब एक नई पार्टनर आई जिसका शेयर है 1/4, यानी 1/4 हिस्सा अब सरस्वती को मिलेगा। सरस्वती वॉज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। सरस्वती अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आई। द जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर गुडविल प्रीमियम इज गिवन बिलो। तो उन्होंने प्रीमियम की क्या एंट्री करी है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जब कोई पार्टनर अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर नहीं लेकर आती तो हम उसके करंट अकाउंट से पैसा छीन लेते हैं। तो इसका मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल रहा होगा 50,000 रुपये। तो इसीलिए सरस्वती करंट अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये। और ये प्रीमियम का पैसा हम दे देते हैं, किसे दे देते हैं सर? सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स को, उनके सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। अब आप ध्यान से देखो, गंगा और त्रिवेणी को जो यहाँ पर गुडविल का शेयर का पैसा मिला है वो मिला है 10,000 और 40,000। इस बात को ध्यान से समझो, इसका मतलब गंगा और त्रिवेणी
आपको 10,000 और 40,000 पीएफजी मिलने का मतलब ये हो गया कि वो आपको इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि गंगा और त्रिवेणी का सैक्रिफाइजिंग रेशियो 1:4 रहा होगा। तो अब जो क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है या निकलवाना चाहता है, वो निकलवाना चाहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो इस सवाल के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय देना चाहता हूं बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप इसको जेन्युइनली सॉल्व करें और फिर एक बार खुद से देखें कि क्या आंसर आ रहा है। तो कृपया करके एक बार इसके नए रेशियो का आंसर निकालने का प्रयास करें, बाकी फिर हम भी डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, लेकिन पहले एक बार आप ट्राई करें कि क्या आ रहा है, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं जी कौन है बच्चा होशियार। गंगा और त्रिवेणी ओल्ड पार्टनर्स हैं, सरस्वती है 1/4 शेयर की नई पार्टनर, और गुडविल की एंट्री से हमें ये तो पता चल गया कि सैक्रिफाइजिंग रेशियो है 1:4। तो अब हमको निकालना है नया रेशियो। ओके ओके ओके, चलो सर अब तो डिस्कस कर ही लो हमारे साथ। चलो तो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों के अपने अपने आंसर्स आए होंगे, तो एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, सरस्वती का 1/4 शेयर है, अगर पहले मैं इतनी बात समझाऊं, तो वो 1/4 शेयर गंगा और त्रिवेणी से ही लिया गया होगा, है ना। 1/4 शेयर गंगा और त्रिवेणी से ही लिया गया होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि गंगा और त्रिवेणी से बराबर बराबर ले लिया, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि नीचे एंट्री से पता चल रहा है कि इनका सैक्रिफाइस 1:4 के रेशो में है। तो सोचो, तो सरस्वती जो अपना 1/4 शेयर लेगी वो गंगा से और त्रिवेणी से, दोनों से लेगी, लेकिन बराबर बराबर नहीं लेगी, 1:4 के रेशियो में लेगी। तो गंगा क्या सैक्रिफाइस करेगी, ये ब्रैकेट, त्रिवेणी क्या सैक्रिफाइस करेगी, वो ब्रैकेट, और फिर आपको नया रेशियो पता चलेगा। मैं छोटी सी आपके साथ वर्किंग डिस्कस कर लेता हूं। भाई मान लो गंगा और त्रिवेणी का मैंने ओल्ड रेशियो लिखा पहले 1:2 1:2, और सरस्वती अब नई पार्टनर आ गई 1/4 शेयर के लिए, तो देखो मैंने गंगा और त्रिवेणी में से क्या माइनस करा, 1/4 शेयर गंगा और त्रिवेणी किस रेशियो में माइनस हो रहे हैं, 1:4 में। तो 1/5 गंगा में से और 4/5 त्रिवेणी में से मल्टीप्लाई करके उनको माइनस कर दिया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा गंगा का 9/20, त्रिवेणी का 6/20 और सरस्वती का 5/20 आएगा, यानी नया रेशियो बन गया 9:6:5। और कई बार बच्चों को यह भी लगता है कि क्या हम सही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमने गलत करा हो, तो क्रॉस चेक देखो मैंने कर लिया, गंगा और त्रिवेणी का ओल्ड रेशियो लिखा 1:2 1:2, माइनस कर दिया उनका न्यू शेयर 9/20 6/20, और जब सॉल्व करा तो देखो ऑटोमेटिकली 1/20 और 4/20 सैक्रिफाइस आ रहा है, यानी सैक्रिफाइजिंग रेशियो 1:4 निकल रहा है। दैट मीन्स हमने ठीक करा है, हमारा नया रेशियो सही आ रहा है। तो बच्चों जी इसका आंसर जो सही ऑप्शन है वो है 9:6:5। तो मैं जानता हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, कई बच्चों ने शायद गलत सोचा या करा होगा, बट अब आप इसको जरूर ध्यान से सही करना। अब बढ़ते हैं जी आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन केस द फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज ₹100, तो 100 रुपए का शेयर है एंड ₹90 हैव बीन कॉल्ड, और कंपनी ने अभी तक सिर्फ ₹90 ही कॉल करे हैं, एंड 60 हैव बीन पेड, जिसमें से शेयर होल्डर ने ₹60 पे कर दिए हैं। द लाइबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर होल्डिंग दीज शेयर विल बी लिमिटेड टू, तो जिस शेयर होल्डर के पास, जिस शेयर धारक के पास ये शेयर है, कह रहा है उसकी लाइबिलिटी कहां तक सीमित है, मतलब उससे कितने रुपए लिए जा सकते हैं, ये बताना है। तो बच्चों का आंसर मुझे पता है कि क्या है, बच्चे जो हैं, हाँ ऑप्शन सी, वेरी गुड, है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर बहुत सारे बच्चों को लगता है, लेकिन वो एग्जाम में गलत हो जाता है।
जैसा कि आपका भी हुआ। ओ भाई, शेयर होल्डर के पास 100 रुपए का जो शेयर है, कंपनी ने अभी उसमें सिर्फ 90 मांगे हैं और उसमें से उसने अभी 60 पे कर दिए हैं। तो आपको लगेगा कि शायद 30 ही वो और देगा। भाई कल को कंपनी बचे हुए 10 भी तो मांगेगी, कभी ना कभी तो मांगेगी। अभी तक मान लो कंपनी ने खाली 90 ही कॉल्ड करा है, फाइनल कॉल 10 रुपए की नहीं करी, पर कभी तो करेगी। तो उस दिन तो शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा, या वो मना कर देगा, नहीं जी नहीं, मेरी लाइबिलिटी नहीं है। तो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है, वो फेस वैल्यू के हिसाब से देखना है आपको। तो 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए उसकी कुल लाइबिलिटी है, 60 वो पे कर चुका, तो अब उससे बस 40 रुपए और लिए जा सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन 40 उससे लिए जा सकते हैं। तो फेस वैल्यू से चेक करना है, इसमें कॉल्ड अप वैल्यू का कोई रोल नहीं होता, ये पागल बनाने के लिए देते हैं जो आप बने। आहा सर, एक नंबर कट गया सर, मजा आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6। एक कंपनी हैज इशूड 10,000 8% प्रिफरेंस शेयर्स। प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द कंपनी। तो भाई प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? ए प्रॉफिट, बी इंटरेस्ट, सी डिविडेंड, डी डिविडेंड इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। बताइए जी। तो सर प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को तो सर डिविडेंड मिलता है। हाँ सर, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड मिलता है, और सर ये तो उन्हें डिविडेंड चाहे कंपनी को लॉस भी क्यों ना हो जाए तब भी मिलता है। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नहीं है। बच्चों को लगता है डी, और जिन्होंने भी डी भेजा है या सोचा है उनका गलत है। बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि डिविडेंड चीज ही एक ऐसी होती है जो भैया कंपनी को जब मुनाफा होता है ना तब दिया जाता है। क्या कभी सुना है आपने किसी कंपनी को मुनाफा तो हो नहीं रहा और वो कह रही है डिविडेंड ले लो? ये कोई इंटरेस्ट नहीं है, डिबेंचरों का इंटरेस्ट होता ना या बोरोइंग का इंटरेस्ट होता, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, वो कंपनी को देना ही पड़ता है। ये तो डिविडेंड की बात हो रही है। हाँ सर, तो डिविडेंड तो हमेशा कब मिलता है, चाहे प्रेफरेंस का ही क्यों ना हो? जब कंपनी को मुनाफा होता है। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। ठीक है सर, एक नंबर और कट गया सर, चलो मजे आ गए। आहा, क्वेश्चन नंबर अब 7। ये करने का टाइम देना है आपको, ठीक है? वीडियो पॉज कर लेना चाहे। ए बी एंड सी वर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है? दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 4:3:2। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 4,50,000, ठीक है? द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो ये बच्चों आपको निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार देखो सॉल्व करो फटाफट से हो जाएगा। तो एबीसी पार्टनर्स हैं, उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है, और गुडविल है 4.5 लाख। तो भाई आपको एडजस्टमेंट एंट्री करके बतानी है कि कौन सी एंट्री है सही। चलो तो ठीक है जी, ठीक है, करते हैं चेक, करते हैं चेक, करते हैं चेक। तो आपने मुझे पता है सोचा करा, तो सही आंसर जो है वो मुझे लगता है आपने निकाल लिया होगा। भाई वेरी सिंपल, एबीसी का ओल्ड शेयर था इक्वल, माइनस कर दिया मैंने न्यू शेयर, तो मुझे पता लग गया ए ने करा है गेन, बी ने कुछ नहीं करा, सी ने करा है सैक्रिफाइस। तो गुडविल की कॉन्सेप्चुअल एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइजिंग, तो बस ए डेबिट टू सी, और 50,000 रुपये के साथ ये एंट्री हमारी हो जाएगी। तो ए डेबिट टू सी 50,000, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बन गया इसका सही आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, द नेट डिविजिबल प्रॉफिट एज पर द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज 2.5 लाख। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है जो एक तरह से फाइनल प्रॉफिट बचता है ना लास्ट में, वो। द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग इज 4,000, आईओडी है 4,000, ए सैलरी इज 4,000 पर क्वार्टर, ए को सैलरी मिलेगी 4,000 पर क्वार्टर की, और बी सैलरी इज 40,000 पर एनम, बी को सैलरी मिलेगी 40,000 पर एनम की। तो कह रहे हैं नेट प्रॉफिट या लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा। तो इसमें आपको ये निकालना है कि
कि साल के दौरान जो शुरुआती नेट प्रॉफिट या लॉस होता है वो कितना था, है ना। फाइनल आंसर दे रखा है, आपको शुरुआत वाला नेट प्रॉफिट निकालना है। सोचो जी। हाँ, वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करना। चलो कर लो सर, डिस्कस कर लो सर, बस डिस्कस कर लो अब। तो भैया इसका सही आंसर जो है वो क्या है, तो देखो बहुत ही सिंपल है तरीका। मैंने एक छोटा सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में देखो ए की सैलरी लिख ली, है ना, बी की सैलरी लिख ली, डिविजिबल प्रॉफिट गिवन है वो लिख लिया और आईओडी लिख ली। तो बेसिकली हमें मिसिंग फिगर ये निकालनी थी कि नेट प्रॉफिट कितना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से नेट प्रॉफिट का आंसर आ गया बैलेंसिंग फिगर के तौर पे 3,02,000। तो इसका जो सही आंसर है या सही ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी। तो जिन बच्चों ने सी भेजा उनका ऑप्शन बिल्कुल सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल क्वेश्चन है, ओरली हो जाएगा। इफ नथिंग इज स्टेटेड इन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कह रहा है क्या होगा, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है गली मोहल्ले का। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम कोई भी आईओडी चार्ज नहीं करेंगे, सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2 विद कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 4 लाख, दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट 10% पर एनम। तो 10% उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, तो ए को मिल गया 60,000 और बी को मिल गया 40,000, तो कुल मिलाकर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। एंड ए इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ए रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय फर्म। अब कह रहे ए को हमें रेंट भी पे करना है 10,000 पर मंथ का। तो बच्चों रेंट जो होता है पार्टनर को जो हमें पे करना होता है ये एक चार्ज होता है, तो इसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, मतलब ये हमारा एक खर्चा है, ठीक है ना, उसके बाद ही फिर नेट प्रॉफिट वगैरह निकलता है, ये खर्चा है, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है फुल स्टॉप, नेट प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड वॉज 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए कह रहे हैं हमने नेट प्रॉफिट कमाया, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, तो बी का आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो सोचो जी सोचो, कौन बच्चा बताएगा सही, करो सॉल्व, अभी के अभी सॉल्व करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, करके देखो अभी, सॉल्व करके देखो फटाफट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, आपको सिंपल ये निकालना है बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। चलो सर चलो, बस अब तो डिस्कस कर लो सर। तो सही आंसर जो है इसका क्या है, तो देखो एक छोटा सा एनालिसिस करा है जी यहाँ पे। भाई हमें नेट प्रॉफिट ही गिवन है 3 लाख रुपए, तो मैंने सीधा पीएनएल एप्रो बना लिया 3 लाख रुपए नेट प्रॉफिट। अब उसमें आईओसी देना है बस एक अप्रोप्रिएशन, वो मैंने दे दिया लाख रुपए का, तो हमारा सीधा सीधा डिविजिबल प्रॉफिट का आंसर कितना बच गया 2 लाख रुपए, वो ए और बी के रेशियो में डिवाइड कर दिया 3:2, तो बी का क्या आंसर आ गया 80,000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तो जिन्होंने ऑप्शन ए भेजा उनका सही है, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत ही मजेदार चटपटा क्वेश्चन है, बच्चे गलत करेंगे, तो इसमें क्या लिखा है पढ़ो। इसमें लिखा है एक्स लिमिटेड परचेज्ड ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड पेबल बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 each कॉमा ₹8 पेड अप। तो वैसे 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू, लेकिन कह रहा है 8 पेड अप है। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, तो कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज उसने दे रखी हैं, बुक वैल्यू है, एग्रीड वैल्यू है, ये सब तो आप अपने आप देखोगे जो भी हैं बातें, अलग अलग एसेट्स हैं लाइबिलिटीज हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स विल बी इशूड टू वाई लिमिटेड, आप वाई लिमिटेड को कितने शेयर इशू करोगे। चलो तो ये निकालो जरा और फिर हम डिस्कस करेंगे।
चलो सर अब डिस्कस कर ही लो। आइए जी। तो बच्चों देखो सिंपल सी कहानी है, जब मैं वेंडर से एसेट खरीदता हूँ तो हम एंट्री करते हैं, मैंने एंट्री बनाई एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो भाई जितने भी इसमें एसेट्स होते हैं उसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है एग्रीड वैल्यू ही हमारे काम की होती है। तो बिल्डिंग 25 की खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी 3,55 का खरीदा, कह रहा है स्टॉक की वैल्यू 90% ले लो तो 2,70 हो गई, कह रहा है डेटर्स में 5% पीडीडी बना लो तो वैल्यू 475 हो गई। तो देखो मेरे एसेट्स की वैल्यू, एसेट्स अकाउंट डेबिट, सारे एसेट्स मैंने जोड़ लिए तो 36 लाख रुपए के एसेट्स डेबिट। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, एक ही थी 4 लाख, तो ऑटोमेटिकली मेरा एक बैलेंसिंग फिगर बच गया। टू वेंडर यानी कि परचेज कंसिडरेशन 32 लाख रुपए। तो भाई मुझे वेंडर को 32 लाख रुपए देने हैं और मैं कह रहा हूं मेरा एक शेयर 8 रुपए पेड अप का है, तो 32 लाख रुपए देने हैं और 8 रुपए का मैं मान रहा हूं मेरा एक शेयर है, तो कितने शेयर दोगे आप? तो 4 लाख शेयर्स इसका सही आंसर है। तो आपका इसमें आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 12th में आपसे ओरली पूछ लूंगा, 13 भी ओरली पूछ लूंगा क्योंकि आप चैंप हो, बड़े सिंपल क्वेश्चन है थ्योरी। 12 में कह रहा है गेन या लॉस ऑन रिवेल्युएशन इज शेयर्ड बाय, कह रहा है रिवेल्युएशन का लॉस जो है वो कौन शेयर करता है? ऑल पार्टनर्स इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑल पार्टनर्स इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। ना ना ना, ये तो गलत हो गई बात। रिवेल्युएशन का फायदा या नुकसान हम नए पार्टनर को थोड़ी ना देते हैं। सी रिमेनिंग पार्टनर्स इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ना ना ना, हम रिटायरमेंट में रिमेनिंग पार्टनर्स को थोड़ी ना देते हैं, उसके अलावा मतलब रिमेनिंग को तो देते हैं लेकिन साथ ही साथ रिटायरिंग को भी देते हैं क्योंकि रिवेल्युएशन का लॉस तो सारे पुराने वालों को मिलता है। और डी ऑल पार्टनर्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ना ना ना, डिसोल्यूशन पे तो रिवेल्युएशन वैसे ही नहीं होता है ना। तो भाई सिंपल सा आंसर बन गया कि हम सारे पार्टनर्स को रिवेल्युएशन का फायदा या लॉस देते हैं, कब? जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है। तो सही ऑप्शन था ए। क्वेश्चन नंबर 13, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो याद करो फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये एक फर्म के लिए अप्रोप्रिएशन है तो पीएनएल अप्रो में डेबिट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो पार्टनर के कैपिटल में ही जाके क्रेडिट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन ढूंढते हैं इसमें से कौन सा बन रहा है। तो जी सही ऑप्शन कह रहा है पीएनएल अप्रो में डेबिट। हाँ ये भी ठीक, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। हाँ ये भी ठीक, तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, आइए जी अब पढ़ते हैं। एक्स ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, ठीक है। ऑफ दीज 99,500 शेयर्स वर सब्सक्राइब, तो टेक्निकली कंपनी के शेयर 99,500 ही हुए है ना। द अमाउंट वॉज पेबल एज 5 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपए ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है, मतलब 2 रुपए। उसके बाद क्या कह रहा है, किशन होल्डिंग 3,000 शेयर, अच्छा, एंड गीता होल्डिंग 2,000 शेयर, अच्छा, हैव डिफॉल्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 5,000 शेयरों ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए है ना, इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। तो कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, हमें फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मिलेंगे? तो टोटल 99,500 शेयर्स थे है ना ओरिजिनल, जिनमें से 5,000 शेयरों ने तो डिफॉल्ट कर दिया, उन्हें मैं हटा दूं अगर, तो बचे खाली 94,500 शेयर्स, और 2 रुपए की फर्स्ट कॉल मैं इनसे मांग रहा हूं, तो बताओ कितने रुपए मिलेंगे मुझे? 94,500 शेयर्स पर ही पैसे मिलेंगे, बाकी 5,000 ने तो देने नहीं। तो सर ये मिले जी 1,89,000, तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए। चल उसके बाद 15वां सिंपल क्वेश्चन, बस बच्चों खत्म होने वाला है सेक्शन ए। 18 क्वेश्चन होते हैं। पिक द ऑड वन आउट,
अनोखा बताइए इनमें से कौन अनोखा है। इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन टेकन बाय द फर्म फ्रॉम ए पार्टनर, रेंट ड्यू टू अ पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर यूजिंग प्रीमाइसेस, सैलरी ड्यू टू द मैनेजर ऑफ द फर्म, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व। तो जी इंटरेस्ट अलाउ करते हैं हम लोन पर, ये एक चार्ज होता है। आप पार्टनर को रेंट देते हो, ये एक चार्ज होता है। आप मैनेजर को सैलरी देते हो, तो भाई मैनेजर को कुछ भी दो दे तो वो चार्ज होता है। लेकिन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना तो एक एप्रोप्रिएशन है, तो यही अनोखा है ना। तो इस क्वेश्चन में ये अनोखा था। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट आंसर भेजो, डायरेक्ट है, नोट्स में लिखवा रखा है, कई बच्चों ने लिखा होगा। नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व, किसका फॉर्मूला है ये, नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों जी ये है परचेज कंसीडरेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला। चलो तो सिंपल क्वेश्चन था, थ्योरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ये भी कर लेते हैं चलो डिस्कस। एक्स लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 4000 शेयर्स, ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स, ठीक है, सॉरी 40,000 शेयर। एप्लीकेशंस फॉर 2000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। तो मतलब मोटा मोटा इसका ब्रेकअप बना लूं तो 50,000 चिट्ठियां आईं, जिनमें से 2000 चिट्ठियों को तो रिजेक्ट कर दिया, और बची हुई इसका मतलब 48,000 को कह रहा है प्रोराटा के बेसिस पर शेयर अलॉट कर दिए। तो प्रोराटा कैटेगरी जो है वो क्या है, 48 अप्लाई करे तो 40 मिले, है ना। अगर मैं इसका रेशो भी निकालना चाहूँ तो 6:5 बन गया। फिर वो कह रहा है इफ गणेश हैड बीन अलॉटेड 1500 शेयर, कह रहा है गणेश को 1500 शेयर अलॉट हुए हैं, ठीक है, हाउ मेनी शेयर्स ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर, उसने कितने शेयर्स अप्लाई करे होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल हो गया, 1500 × 6/5, तो ये तो बच्चा बच्चा गली मोहल्ले का बता देगा। तो इसका मतलब गणेश ने 1800 शेयर्स अप्लाई करे होंगे, सिंपल क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन मतलब सेक्शन ए का, फिर मुश्किल वाले शुरू हो जाते हैं, 18 तक तो मस्ती होती है, 19 से जो है वो हवा टाइट होनी शुरू हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज क्लोज्ड बाय, तो एक बार इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर के कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। भाई कंपनी होती है, शेयर होल्डर होता है, शेयर होल्डर जो है वो पैसे नहीं देता है ना, या पैसे लेट देता है, बाद में देता है, तो उसको हम कहते हैं कॉल्स इन अरियर। तो कंपनी कहती है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर तुम हमारे पैसे नहीं दे रहे हो और पैसे देने में देरी कर रहे हो, तो हम तुमसे बदले में इस पर ब्याज लेंगे। तो उसे बोलते हैं पहली चीज तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। अब आप ये सोचो बस कंपनी के दृष्टिकोण से कि ये जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है उससे कॉल्स इन अरियर पर, ये कंपनी के लिए खर्चा है कि इनकम है। सर इनकम है। तो दुनिया की कोई भी इनकम जो होती है कंपनी के लिए, उसको आप पीएनएल में कहां डालोगे, वो पीएनएल के कौन सी साइड में जाएगा। सर दुनिया की किसी भी कंपनी की इनकम जो होगी वो तो उसके पीएनएल में क्रेडिट साइड पर जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर क्लोज कैसे होता है, बाय क्रेडिटिंग इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। चलो मजे आ गए जी, मजे आ गए। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है ना। बी सेक्शन है, ध्यान से करेंगे और कुछ क्वेश्चन इसमें होमवर्क भी करने हैं आपको। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। देयर कैपिटल्स आर 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 9% पर एनम। तो x को मिल गया 9 × 27 और y को मिल गया 9 × 18, ठीक है। तो कुल मिलाकर मुझे 45,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है, ओके। फिर लिखा है द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 30,000। ओ कह रहा है फर्म को मुनाफे हुए हैं 30,000 के फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, चलो सोचो जी, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, बताओ क्या ऑप्शन है। सर ए ऑप्शन आ गया, सर ए आ तो गया,
सर आपने निकाल तो रखा है ए ऑप्शन, चलो हम ये टिक कर रहे हैं, बताओ जी। सर ए ऑप्शन आ गया है, वेरी गुड। तो बच्चों ए ऑप्शन आ गया सही आंसर, तो लिख दो ए, एग्जाम में कटेगा नंबर। तो भाई आपके आईओसी जो हैं वो हैं 45,000 और आपका मुनाफा है खाली 30,000। तो क्या सिखाया था, जब प्रॉफिट कम हो और अप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो तो पहले अप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाल लो। तो 27,000 और 18,000 का रेशियो निकाल लो, 3:2। तो अब आपको अपने गिवन प्रॉफिट को 3:2 में भाग देना पड़ेगा। तो 30,000 को 3:2 में भाग दोगे तो आएगा 18 और 12। अच्छा सर ये तो हमें याद भी नहीं था। तो सही आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर सी। तो अगर मैं ना बताता तो आपका एक नंबर तो कटना था तय। चलो ठीक है ना। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आप सॉल्व करके देखना। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, ठीक है। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। तो नया पार्टनर सी 1/5 शेयर के लिए आ गया। सी ब्रिंग्स 1,50,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। सी अपने साथ 1,50,000 रुपए पूंजी के लाया। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 5.5 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर वैल्यूड एट 70,000। सीज शेयर ऑफ हिडन गुडविल विल बी, चलो बताओ सोचो। तो कह रहा है आपको सी का शेयर निकालना है हिडन गुडविल में। तो बच्चों इसमें हिडन गुडविल के स्टेप्स जिसको याद है ना, वो हिडन गुडविल के स्टेप लगाएगा और फिर उसमें सी का सही शेयर निकालेगा। चलो तो एक बार करके देखो जरा क्या आ रहा है। आ गया सर, आ गया भाई, आ गया। क्या आ गया सर आप बताओगे, हमें तो नहीं आया। तो हिडन गुडविल के स्टेप्स याद दिलवा देता हूं, ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1 होता है टोटल कैपिटल निकालने का, उसको हम कैसे निकालते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो नए पार्टनर की कैपिटल थी 1.5 लाख और उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर लिया 5/1, तो हमारी टोटल कैपिटल आ गई 7.5 लाख, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 होता है नेटवर्थ निकालना, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी प्लस नए पार्टनर की कैपिटल। तो वो करने पर हमारा नेटवर्थ आ गया 6,30,000। फिर स्टेप 1 में से जब स्टेप 2 माइनस करते हैं तो हमारे फर्म की गुडविल आ जाती है जो आ गई 1,20,000। बस इसके अंदर आपको नए पार्टनर का शेयर निकालना है जो कि है 1/5। तो 1,20,000 का जब आप 1/5 निकालोगे तो कितने बच्चों का गलत हुआ बताओ, सच सच 24,000 आएगा सही आंसर, ठीक है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एडमिशन का हिडन गुडविल ध्यान रखना। चलो 21 सर हम होमवर्क में करेंगे सर, प्लीज सर, ठीक है। तो 21, 22, 23 होमवर्क में करना ट्राई। चलो 24 में क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल स्टूड एट 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, ओके। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू आईओसी एट 6% पर एनम। तो कह रहा है पार्टनर्स को आईओसी मिलनी चाहिए थी 6% की, तो यानी 30,000 ए को और 15,000 बी को और 15,000 सी को, ठीक है। बी प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कह रहा प्रॉफिट्स को कैपिटल के रेशियो में बटना चाहिए था, सही 2:1:1 मतलब। अब देखो क्या गड़बड़ हुई, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 3,00,000 रुपए वॉज डिवाइडेड इक्वली। ओ माई गॉड, प्रॉफिट के रेशियो में गड़बड़, इक्वल बांट दिया और आगे तो और कलाकारी हो गई, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव आइटम्स, मतलब आईओसी देना भी भूल गए। तो कह रहा है एडजस्टमेंट एंट्री बताओ। चलो तो बच्चे करेंगे फटाफट एडजस्टमेंट एंट्री और करके मुझे बताएंगे सही ऑप्शन उनका क्या आ रहा है, ठीक है सर। कर लिया सर, कर लिया, कर लिया, तो कर लिया आंसर, ठीक है। तो अपने आंसर भेज दो, लेकिन मैं स्टेप्स भी दिखा देता हूँ जिस बच्चे को नहीं आता। देखो इसमें क्या करना होता है आपको ना,
आप पहले गलत प्रॉफिट्स को वापस ले लो, है ना। तो भाई देखो, गलत प्रॉफिट्स जो थे उनको मैंने वापस ले लिया, तो आप इन वाले स्टेप्स पे फोकस करना। रॉन्ग प्रॉफिट, 3 लाख रुपए के रॉन्ग प्रॉफिट को मैंने 1:1:1 में गलत रेशियो में वापस ले लिया, तो एक एक 1 लाख रुपए उनसे वापस ले लिया। फिर मैंने उनको आईओसी दिया नहीं था, तो मैंने उनको आईओसी क्रेडिट कर दिया, 30,000, 15,000, 15,000। फिर मैंने सही प्रॉफिट निकाला, 3 लाख में से 60,000 आईओसी दिया, तो कितना बच गया प्रॉफिट सही, 2,40। और उसको फिर सही रेशियो में 2:1:1 में फिर उनको क्रेडिट करके दे दिया जो देना चाहिए था, 1:20, 60 और 60। तो फिर जब मैंने नेट इफेक्ट बनाया तो ऑटोमेटिकली पता चल गया कि एक को 50,000 क्रेडिट करेंगे जबकि बी और सी को 25-25 डेबिट करेंगे। तो बताओ इसका सही ऑप्शन क्या बन गया? तो इसका सही ऑप्शन बन गया जी, ए को 50,000 क्रेडिट करेंगे और बी और सी को 25-25 डेबिट करेंगे। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो इसके स्टेप्स जिसको याद होंगे वो सही कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 पढ़ते हैं जी। 25 में क्या कह रहा है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। तो तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1.5 लाख रुपए पर एनम। कह रहा है बी का शेयर 1.5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए, तो गारंटी आ गई इसमें। द लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर 80,000। लो जी, कह रहा है साल का हमें नुकसान हो गया बल्कि 80,000 का, ठीक है, और वो भी दे रहा है 80,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 2 लाख रुपए टेकन फ्रॉम ए ऑन 1 जून। कह रहा है अभी हमने इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं पे करा और ए से हमने 1 जून 2020 को 2 लाख रुपए का लोन लिया था, ठीक है। तो अपने आप दिमाग लगाना, मुझे क्या, शेयर ऑफ ईच पार्टनर्स प्रॉफिट या लॉस विल बी। तो कह रहा है भाई हर पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस बताओ, ठीक है। तो मैं समय दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करना और फिर मिलता हूँ आपसे क्लासरूम में। तो देख लेते हैं जी 25 का आंसर। तो सबसे पहले इसका अगर मैं डिस्कशन करूं 25 में, तो 25 में आपको ये दे रखा था कि तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2, ठीक है। बी को गारंटी दी जा रही है, तो बी को गारंटी कौन देगा, इसका मतलब ए और सी देंगे, है ना। ये हो गई अंडरस्टूड बात। अब बी को हमने ये गारंटी दी है कि तुम्हें कम से कम 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन फिर लॉस हो गया 80,000 का और इंटरेस्ट ऑन लोन भी कह रहा है कि हमने नहीं दिया ए को जो लोन लिया था। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर वर्किंग करी है, वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो 80,000 का मैंने पहले लॉस लिखा पीएनएल के अंदर, और 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन जो निकाला वो भी पीएनएल के अंदर ही डेबिट में लिखा, क्योंकि वो हमें पे करना पड़ेगा। ऐसा लिखने के साथ ही मेरा 90,000 रुपये का नेट लॉस आ गया, और वो नेट लॉस ए बी सी के मैंने 4:3:2 रेशियो में बांट दिया। क्या मैं यहां तक सही हूं? तो इसका मतलब ए का लॉस है 40, बी का लॉस है 30, सी का लॉस है 20, लेकिन हम बी पे फोकस करते हैं। अब बी, जिसको मैंने कहा था कि तुम्हें हम 1,50,000 का मुनाफा देंगे, उल्टा उसको हमने 30,000 का लॉस दे दिया, तो अब बी को कितने रुपए मिलेंगे? 1,80,000 रुपए हमें देने पड़ेंगे, और बी को 1,80,000 रुपए कौन देगा? ए और सी देंगे, अपने किस रेशियो में? 4:2, मतलब जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें देंगे। तो ए देगा 1,20,000 और सी देगा 60। क्या मैं यहां तक ठीक हूं? अब इस पूरी गणित के बाद, पूरी कहानी के बाद, अगर आप पहले ए पे फोकस करो, ए को 40 का लॉस ऊपर हुआ और 1:20 का लॉस ये नीचे अभी अभी हुआ, तो ए का कुल नुकसान कितना हो गया? 1,60। सी को 20,000 का लॉस ऊपर हुआ और 60,000 का नुकसान अभी अभी नीचे यहां पे हो गया, तो सी को कुल नुकसान कितना हो गया? 80,000 का। क्या मैं सही बोल रहा हूं? और बी, बी को 30,000 का
नुकसान हुआ था ऊपर और 1,80,000 लेकिन उसको हमने कॉम्पनसेट कर दिया, तो बी को तो अल्टीमेटली 150 मिलने ही मिलने, है ना। तो ये बन गया पूरा। तो अब हमारा सही ऑप्शन क्या बना इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए हमारा सही ऑप्शन बन गया सी। ए को 160,000 का नुकसान हो रहा है अल्टीमेटली, बी को 1,50,000 का मुनाफा हो रहा है अल्टीमेटली, और सी को 80,000 का नुकसान हो रहा है अल्टीमेटली। तो ये इसका सही आंसर बन गया। परफेक्ट। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और सही आंसर इसका आ गया। चलो इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में कह रहा है ऑन 1st January पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ 7,00,000 रुपए वाइल द जनरल रिजर्व अमाउंटेड टू 1,00,000। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,60,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो पहले आपको करना है, एक बार आप ट्राई करो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चे कह रहे हैं सी, मतलब एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1,60,000। तो सही जवाब है, मैंने भी सॉल्व करा, बहुत ही सिंपल है। पहले मैंने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, हमें गुडविल 1,60,000 दे रखी थी और नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दे रखा था, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 40। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया 8,00,000 और उससे नॉर्मल प्रॉफिट मेरा आ गया इंटू 15% करके 1,20,000। बस फिर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सही आंसर आ गया आपका 1,60,000। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में कह रहा है गुडलक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 80,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 per share। ठीक है, द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 2+3, ऑन अलॉटमेंट 5+2, ऑन 1st and final call ₹3। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,00,000 शेयर्स, तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। ठीक है, ऑल द कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड 1st and final call फ्रॉम विद्या हु वॉज अलॉटेड 3,200 शेयर्स, हर शेयर्स वर फोरफिटेड। ठीक है, तो वही कहानी है पूरी शेयर्स की, एक बदमाश है जिसने अलॉटमेंट के और कॉल के पैसे नहीं दिए और उसके शेयर्स को कंपनी ने फोरफिट कर दिया है। फिर वो आपको जो कह रहा है अमाउंट निकालने को, वो कह रहा है जब शेयर फोरफिट होते हैं तो आप शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करते हो ना, 2 share forfeiture लिखते हो फोरफीचर की एंट्री में। तो वो ये पूछ रहे हैं अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट विल बी, क्या होगा। चलिए तो सोचो फिर डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा। तो बताइए जी क्या करें, क्या है इसका आंसर। फिर तो पहले तो मैं लेंथी मेथड से डिस्कस कर लेता हूं एक बार, ताकि क्वेश्चन का एनालिसिस भी कंप्लीट हो जाए। तो वो डायग्राम और कहानी जो है वो सारी मैंने जब बनाई तो उससे मुझे क्या इंटरप्रिटेशंस हुए वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो ब्रेकअप जो है वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, 10 रुपए का शेयर है, ये वो कहानी। तो अगर हम देखें कि उस बदमाश के को 3,200 शेयर्स अलॉट हुए थे तो इसका मतलब उसने 4,000 शेयर्स अप्लाई करे होंगे, पहली बात तो ये बन गई। और हमारी स्टोरी के हिसाब से क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दे रहा तो ये बड़ा बदमाश हो गया, राइट। अब इसकी वर्किंग हमने करी तो 4,000 शेयर्स के लिए इसने एप्लीकेशन दिया, ₹5 हमने इससे रिसीव करे होंगे तो ₹20,000 रिसीव कर लिए, जबकि हमने इसको 3,200 शेयर्स ही अलॉट करे तो उसके हिसाब से ₹5 के हिसाब से हमें ₹16,000 लेने चाहिए थे। तो हमारा एक्सेस मनी जो आया यानी हमने उससे ₹4,000 एक्स्ट्रा ले लिए हैं, यहां तक ओके है। अब हम उससे अलॉटमेंट के पैसे ₹7 ड्यू करेंगे तो 3,200 शेयर्स इंटू 7 तो ₹22,400 हम उससे मांगेंगे, 4,000 वो एडजस्ट करवा लेगा, कहेगा ठीक है,
तो बचे हुए उसने 18,400 एक तरह से टेक्निकली हमें अलॉटमेंट पर नहीं दिए। तो क्या मैं सही बोल रहा हूं यहां तक? ठीक है, बाकी कॉल सिनेरियो में तो सीधे सीधे 3 रुपए उसने नहीं दिए, तो वहां पे तो आप सीधा निकाल ही सकते हो, 3200 शेयर्स हैं और 3 रुपए उसने नहीं दिए, तो कितना आ जाएगा कॉल सिनेरियो? 9600, राइट। अब शेयर फॉरफीचर की एंट्री कैसे बनाते थे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें तो आप सीधा सीधा कॉल्ड अप फेस वैल्यू लिखते हो 10 रुपए। एसपीआर डेबिट, इसमें आप लिखते हो जो प्रीमियम हमें नहीं मिला, तो हमें अलॉटमेंट का ही 2 रुपए प्रीमियम नहीं मिला, तो एसपीआर डेबिट आ गया। टू शेयर अलॉटमेंट, उसने हमें अलॉटमेंट पर कितने रुपए नहीं दिए? 18,400, ये हम निकाल चुके। टू शेयर फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल पे हमें कितने रुपए नहीं दिए? 9,600, ये हम निकाल चुके। तो टू शेयर फॉरफीचर में मेरा ऑटोमेटिकली एक बैलेंसिंग फिगर बच गया 10,400। तो ये तो है लेंदी मेथड, मतलब लेंदी इन द सेंस की फुल डिटेल्ड मेथड। पर क्वेश्चन ने तो खाली ये पूछा था हमसे कि शेयर फॉरफीचर में हमें क्रेडिट कितना करना है, राइट। तो आप इसको 10,400 को कैसे भी निकाल सकते हो जल्दी, वो आना चाहिए, है ना। तो शेयर फॉरफीचर में हम क्या क्रेडिट करते हैं, आप पहले ये सोचो हम क्या क्रेडिट करते हैं। इसकी अंग्रेजी, कॉन्सेप्चुअल अंग्रेजी क्या लिखवा रखी है? जो अमाउंट हमें बदमाश से रिसीव हो जाता है वो, और इग्नोरिंग प्रीमियम, अगर उसमें प्रीमियम है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो सिंपल सी मैथमेटिक्स करूंगा यहां, फिर आप देखना। उसने 4,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी और 5 रुपए लगा के उसने हमें दिए होंगे, तो उसने हमें 20,000 रुपए दिए, सिंपल। तो मैंने उससे 20,000 रुपए लिए हैं इसका मतलब। लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पर 3 रुपए का हमें प्रीमियम भी मिला होगा, क्योंकि एप्लीकेशन में 3 रुपए प्रीमियम भी है। तो मैंने उसको 3200 शेयर्स अलॉट करे हैं, उस हिसाब से अगर मैं 3 रुपए प्रीमियम कैलकुलेट करूं तो वो कितना बनेगा? 9600। तो प्रीमियम इग्नोर कर दो, क्योंकि ये प्रीमियम हमें रिसीव हो चुका। शेयर्स अलॉट कितने हुए? प्रीमियम हम इग्नोर जो करते हैं वो अलॉटेड शेयर के हिसाब से करते हैं। तो हमने शेयर अलॉट कितने करे उसको? 3200। तो 3200 शेयर्स पर एप्लीकेशन का 3 रुपए प्रीमियम जो हमें मिला है उसको इग्नोर कर दो, मतलब माइनस कर दो। अब एक बार ये मैथमेटिक्स सॉल्व करके देखो, तो 15 सेकंड के अंदर आंसर आ गया, 20,000 माइनस 9600 तो 10,400। इग्नोर हमेशा लेकिन करते हैं शेयर्स अलॉटेड के हिसाब से। मान लो मैं कह रहा हूं ये गलत है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर ये कैसे मैच हो रहा है? अगर मान लो मैं कह रहा हूं वो शॉर्टकट गलत है, तो फिर ये कैसे मैच हो रहा है? तो नहीं होगा ना। तो आपको जो सिखाया जाता है वो पूरे ट्राइड एंड टेस्टेड तरीकों से सिखाया जाता है, तो गलत होने का सवाल ही नहीं है। तो ये तरीका हो गया फुल फ्लेज्ड, मतलब फुल डिटेल। लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या? सीधा आपने ये देखा कि हमें उससे कितना रुपए रिसीव हुआ, 4,000 एप्लीकेशन के 5 रुपए रिसीव हुए, 20,000, माइनस कर दिया जो प्रीमियम पोर्शन था। तो प्रीमियम पोर्शन कितना था? 3200 शेयर अलॉट हुए और 3 रुपए प्रीमियम मिला था हमें, तो प्रीमियम को इग्नोर कर दिया। तो आपका आंसर आ जाएगा 10,400। तो बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन प्लस एनालिसिस। चलो क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 देखते हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। मतलब उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लिया। देयर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट शोड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑफ 60,000 एंड ए बैलेंस ऑफ 90,000 इन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो कह रहा है इन द एडजस्टिंग एंट्री, तो पहले आप करो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी,
तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके पहले तो ये पता लग जाएगा कि किसने गेन करा, किसने सैक्रिफाइस करा है, वो तो पार्ट हो ही जाएगा। अब इसमें WCR है, वो तो चलो चॉकलेट हो गया, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये कूड़ा हो गया। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कूड़ा है और चॉकलेट है, तो आपका नेट अमाउंट जो है वो -30 बचा होगा या बचेगा। तो इसकी कॉन्सेप्चुअल एंट्री क्या होती है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग है ना, तो कॉन्सेप्चुअल एंट्री ये बन गई। तो उसके मुताबिक आपका फाइनल आंसर क्या आएगा या क्या आ रहा है, सैक्रिफाइस किस किस ने करा था, ए और बी, और गेन किसने करा था, सैक्रिफाइस किसने करा था, सैक्रिफाइस ए ने करा था, और गेन किसने करा था, ये नहीं निकाला। ए का तो गेन आ रहा है और सैक्रिफाइस किसका आ रहा है, बी का, और सी का कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो ये बच्चों को जो लगता है ये एग्जाम में फिर गलत हो जाता है। तो अब बताओ इसका रीजन क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने ये तो नहीं कहा कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व्स या पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द कूड़ा, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। तो ये एंट्री तो तब होती है जब क्वेश्चन में ये लिखा हो कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द बैलेंसेस, और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, जब कुछ नहीं बोलता, तब हम क्या एंट्री करते हैं, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो अगर आप अलग अलग पहले चॉकलेट को मान लो ओल्ड रेशियो में बांटो, फिर कूड़े को ओल्ड रेशियो में बांटो, तो दो एंट्री बनेंगी अलग अलग। लेकिन क्योंकि वो मांगी ऑप्शन में एक एंट्री रहा है, तो मैं एक एंट्री पहुंचवा देता हूं आपको कि क्या बनेगी। पहले हम अलग अलग बांट के देखते हैं। तो अगर आप 60,000 को 2:2:1 में बांटोगे तो एबीसी को कितने कितने रुपए मिल जाएंगे, 60,000 को 2:2:1 में बांटोगे तो एबीसी को ये मिल जाएगा 24, 24 और 12। फिर 90,000 रुपए का कूड़ा है तो वो आप उनको राइट ऑफ करवाओगे 2:2:1 में, यानी डेबिट करोगे। तो अगर आप 90,000 को 2:2:1 में डेबिट करोगे तो क्या आएगा, 36, 36 और 18। तो लेकिन दो एंट्री तो हमें करनी नहीं है, ए को बी को सी को देना भी है और ए को बी को सी से लेना भी है। तो हमको तो उसने क्वेश्चन ने कहा था एक ही एंट्री करो या एक ही चीज बताओ। तो टेक्निकली जो 30,000 नेगेटिव वैल्यू आ भी रही है, आप उसी को सीधा 2:2:1 में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके चेक कर सकते हो, या लेंथी प्रोसेस करोगे तो भी यही आएगा। तो हम ए बी सी से 12, 12 और 6 ले लेंगे, डेबिट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपका सही ऑप्शन या सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए डेबिट 12, बी डेबिट 12 और सी डेबिट 6। क्लियर हो गया पॉइंट। तो इसमें बेसिकली नया रेशो आपको पागल बनाने के लिए दे रखा था, और काफी बच्चे पागल बन जाते हैं। तो क्लियर हो गया पॉइंट। एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइजिंग या सैक्रिफाइजिंग टू गेनिंग कब करते हैं, जब क्वेश्चन कहे डू नॉट डिस्टर्ब द बैलेंस, लेकिन जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तब हम ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। चलो ठीक है, तो एक नंबर ये भी कटा। आओ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में लिखा है जी, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 11:4। ठीक है, सी वॉज एडमिटेड, ए सरेंडर्ड 1/11 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी।
सी ब्रिंग 16,500 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू ए विल बी, तो कह रहा है ए को कितना प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर मिलेगा आपको, बस ये निकालना है। तो निकालिए जी, पहले आप, फिर मैं डिस्कस कर लूंगा। कि सैक्रिफाइस कितना आया वो बताओ, ए अपने शेयर का 1/11 दे रहा है, तो ए का शेयर था पहले 11/15, तो वो अपने शेयर का 1/11 दे रहा है, तो ए का सैक्रिफाइस ये हो गया। और बी अपने शेयर का 1/4 दे रहा है, तो बी का पहले शेयर था 4/15, तो वो अपने शेयर का 1/4 दे रहा है, तो बी का सैक्रिफाइस ये हो गया। तो अगर आप देखोगे तो ए का सैक्रिफाइस भी है 1/15 और बी का सैक्रिफाइस भी है 1/15, तो इसका मतलब ए और बी के सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल हो गए 1:1, ठीक है, सही बोल रहा हूं मैं सर? तो अगर ए और बी के सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 आ गया तो प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर 1:1 में ही बटेगा। तो 16,500 रुपए 1:1 में आप बांटोगे तो 8,250 जो है वो दोनों को मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, 31 आपका होमवर्क। तो 32 में लिखा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज एसर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। असर्शन में लिखा है पार्टनरशिप इज ए वॉलेंटरी एसोसिएशन, और रीजन में लिखा है बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज ओरल और रिटन एग्रीमेंट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ए और आर दो स्टेटमेंट्स हैं, तो इनमें आपके हिसाब से कौन ट्रू है या कौन करेक्ट है? पार्टनरशिप इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन, पार्टनरशिप जो है वो स्वेच्छा से ही होती है, मुझे आपके साथ पार्टनर बनना है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि जोर जबरदस्ती करके बनवा देगा, स्वेच्छा से ही बनेगी, तो ये तो हो गया ट्रू। और पार्टनरशिप डीड ओरल और रिटन एग्रीमेंट कैसी भी हो सकती है, तो ये क्या है, फॉल्स। पार्टनरशिप डीड ओरल कब से होने लगी भाई, पार्टनरशिप डीड तो आपको बताया था कागज का टुकड़ा होता है जिसमें सब कुछ लिखित होता है, पार्टनरशिप डीड कब से ओरल होने लगी, तो हाँ पार्टनरशिप डीड तो कभी ओरल नहीं होएगी, तो ये तो बात गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, ओनली ए इज करेक्ट, तो पहला नंबर कटा। तो उसके बाद 33, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है, फिर से वही खेल है। अब तो एसर्शन में है ए कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट एंटिटी, और रीजन कह रहा है बिकॉज शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, ट्रू। कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं सिवाय प्राइवेट कंपनियों के, ट्रू। लेकिन क्या असर्शन का सही रीजन है, नहीं, तो क्या होगा, ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट R is not the correct explanation of A. हाँ वैसे हम तो तुक्के मारते बिना देखे B, तो पढ़ लिया तो सही हो गया। तो A and R are true but R is not the correct explanation of A. चलो ठीक है, तो ये तो सिंपल था। इसके बाद 34 आपका होमवर्क हो गया। 35 पढ़ते हैं, वही दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, वेरी गुड, नॉमिनल अकाउंट होता है,
और रीजन में लिखा है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड टू रिवेल्युएशन अकाउंट। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो नुकसान होती है बल्कि, तो हम तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, तो यानी दोनों ही गलत हो गए। तो बोथ ए एंड आर रॉन्ग, ठीक है ना, दोनों ही गलत हो गए। चलो उसके बाद 36 में भी सेम कहानी है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड वोई, असर्शन पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वही होता है जो आप डेबिट करते हो पीएनएल अकाउंट में, ट्रू। फिर उसका रीजन दे रहा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म एंड रेंट पेड टू द पार्टनर आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये ट्रू है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और रेंट पेड जो है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। तो अब सही ऑप्शन क्या बन गया, दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। हाँ बिल्कुल सही, उल्टा असर्शन जो है वो अपने आप में रीजन की तरह लग रहा था। चलो ठीक है, तो ये बच्चों एक वैरायटी के सवाल हो गए आपके खत्म। अब कर लेते हैं एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी, कैसा आ सकता है। तो ये एक कहानी होगी जिस पर बेस्ड तीन सवाल इकट्ठे होंगे, तो इस कहानी के बाद आपको तीनों सवालों के बेसिकली जवाब देने होंगे। तो कहानी पढ़ लेते हैं क्या है। कहानी है ऑन 1 जनवरी 2021 रवि मोहन एंड श्रेया एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ 3 लाख 2 लाख 1 लाख रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग, क्या क्या, सैलरी टू रवि 20,000 पर मंथ, रेंट टू मोहन फॉर द यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस पर्पस 5,000 पर मंथ, मैनेजर टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट अमाउंटेड टू 3,45। चलो तो सबसे पहले 39 बता दो मुझे। चलो रेम्यूनरेशन टू मैनेजर विल बी, मैनेजर की रेम्यूनरेशन पूछ रहा है। कहाँ है मैनेजर, ये रहा। तो मैनेजर की रेम्यूनरेशन बताइए जी, मतलब रेम्यूनरेशन मतलब ये सी पॉइंट, वही कमीशन। आइए तो भाई इसमें रवि को जो सैलरी देनी है वो तो एप्रोप्रिएशन है, लेकिन पार्टनर को रेंट देना है वो भी चार्ज है, और मैनेजर को हमें कुछ पे करना है वो भी चार्ज है। तो ऐसे सिर्फ समझाने हेतु मैं एक पीएनएल छोटा सा बना लेता हूं। तो हमें ये बोला है कि बिना कुछ भी पे करे अभी हमारा प्रॉफिट है 3,45 का। अब आपको जो पार्टनर को रेंट देना है वो सबसे पहले तो वो देना पड़ेगा क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। अब रेंट के बारे में बोला था, हाईलाइट कर देता हूं कि मोहन को हमें रेंट देना है 5,000 रुपए महीने का। तो 5,000 रुपए महीने का मतलब कितना हो गया कुल रेंट 60,000। तो ऐसा बच्चा सोचता है और एग्जाम में गलत करके आता है। इन्होंने अपना व्यापार कब शुरू करा पार्टनरशिप फर्म का, 1 जनवरी को, और खाते बंद होते हैं 31 मार्च को। तो कितने माह काम हुआ, जनवरी फरवरी मार्च, खाली 3 महीने काम हुआ। तो आप 5,000 रुपए जब पर मंथ का भाड़ा दोगे तो 3 महीने का भाड़ा तो सिर्फ 15,000 ही होगा, ठीक है सर। तो अब आपका कितना प्रॉफिट बच गया, 3,45 में से 15 का रेंट दे दिया तो कितना प्रॉफिट बच गया 3,30। तो लिखा था मैनेजर को कमीशन हम प्रॉफिट का 10% दे देंगे,
तो 10% प्रॉफिट का मतलब हो गया 33,000 रुपये। तो 33,000 रुपये मैनेजर को कमीशन मिल जाएगा और हमारा जो नेट प्रॉफिट फाइनली बचेगा वो बच जाएगा 2,97,000। तो पीएनएल अकाउंट तो क्लोज हो गया। तो समझ आ गया पॉइंट। तो आपको बेवकूफ बनाना कितना आसान है। तो आप भोले मासूम बच्चे क्वेश्चन के जाल में फंस जाते हो। तो सही आंसर था 33,000 रुपये, ठीक है, मैनेजर कमीशन। चलो सेकंड, मतलब नेक्स्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर्स विल बी, क्यों? वेरी गुड। तो क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अंदर ही सैलरी देने को बोला है, रेंट देने को बोला है, मैनेजर कमीशन देने को बोला है। तो जब डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता तो हमारे प्रोविजन क्या होते हैं कि नो आईओसी विल बी अलाउड। तो ये तो सिंपल सही हो गया। चलो वेरी गुड। और 41, श्रेया का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो अब तो आपको पूरा बेसिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार आप श्रेया का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालें, ये रहा सवाल, दोबारा से लगा दिया आपकी स्क्रीन पर। तो श्रेया का शेयर ऑफ प्रॉफिट, चलो तो क्या है बच्चों का आंसर, श्रेया का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना फाइनल आंसर? तो 297 तक तो मैंने आपको पहुंचा ही दिया था नेट प्रॉफिट। बस उसमें से आप रवि की सैलरी कितनी माइनस करोगे, 20,000 पर मंथ, तो ये होगी 2,40,000। कितनी होगी सैलरी? 60,000, क्योंकि सैलरी भी तो 3 ही महीने की दोगे। तो बस वो आपने पे कर दी रवि को, तो 297 में से 60 किया तो कितना बच गया? 2,37,000। ठीक है, तो फिर वो क्या पूछ रहे हैं, श्रेया का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो कितना आ गया? 1/3। तो 237 का 1/3, 79,000। परफेक्ट, सही। चलो तो ये हो गया जी केस बेस्ड एक। चलो अब आपका आखिरी पार्ट शुरू हो जाता है बेसिकली, जो आपकी किताब नंबर 3 है ना, कंपनीज वाली। तो उसके कुछ क्वेश्चंस फटाफट डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42, ऑपरेटिंग रेशियो इज, तो ऑपरेटिंग रेशियो का फटाफट से फॉर्मूला बताना है। ओरली बता सकते हो मुझे, चलो याद है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है? तो ये आपको दिख रहा है सी, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय आरएफओ। उसके बाद 43 आपका होमवर्क, 44, 45 होमवर्क, 46, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको सही ऑप्शन बताना है, तो बताइए जी सही ऑप्शन क्या है। प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, चलो मुझे खुद ही बताओ, प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो बैलेंस शीट में ए बी सी में से क्या होता है, उसको हम किससे मैच करेंगे? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि इसको हम फुट नोट में दिखाते हैं, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 भी कहता है। फिर अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, इसको हम किससे मैच कर सकते हैं? कमिटमेंट्स, क्योंकि इसको भी हम फुट नोट में ही दिखाते हैं। तो 1 का मैच है ए, 2 का मैच है बी, तो ये ऑप्शन कहां दे रखा है कि 1 का मैच हो ए और 2 का मैच हो बी, तो ये ऑप्शन हमें दे रखा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द
करेक्ट ऑप्शन। चलो इसके बाद है जी 47, ये मैं आपसे फटाफट पूछ लेता हूं, इसमें तो आप चैंप हो। तो दो स्टेटमेंट्स हैं, पढ़ लेते हैं फिर बताना क्या ऑप्शन सही है। असर्शन में लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो ये शुरू में ही शक्ल से ही फॉल्स हो गया है। फिर उसके बाद रीजन में कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्डेड फैक्ट्स एंड दे आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, तो ये ट्रू है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो फैक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं और कुछ धारणाओं पर बनाया जाता है, सही है। तो क्या ऑप्शन चुन लें हम, डी, डी फॉर डोंकी, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलो ठीक है, ये भी सिंपल हो गया। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन करवा लेते हैं आपसे। 49 बस खत्म होने वाला है बच्चों। तो इन्वेंट्री 3 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग लूज टूल, ट्रेड रिसीवेबल 1,10,000, ट्रेड पेबल 1,80,000, प्रीपेड एक्सपेंस 40,000, गुडविल 45,000, करंट रेशियो विल बी, तो बताओ जल्दी से फास्ट, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन सी एल, तो फटाफट से जल्दी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, करंट एसेट्स में क्या क्या लोगे, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, अच्छा तो कितना आ गया करंट एसेट, इन तीनों को जोड़ो 4,50,000, और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितनी, 1,80,000, क्योंकि ट्रेड पेबल अकेली है बेचारी, तो 4.5/18 मतलब 4,50,000/1,80,000, तो जल्दी से पहाड़ा याद करो टेबल्स, 1,80,000 की टेबल याद है आपको, 1,80,000 बन जा 1,80,000, 1,80,000 टू जा 3,60,000, 1,80,000 ढाई जा 4,50,000, तो बचपन में टेबल्स रटवाई होंगी आपको, तो 1,80,000 से जब आप 4,50,000 काटोगे तो ये ढाई आ जाएगा। तो हम तो प्योर फॉर्म में लिखते हैं लेकिन तो आंसर बन गया ढाई यानी 2.5:1। चलो ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, ये बढ़िया है। कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, अब आपको फिक्स्ड एसेट्स निकालना है नीचे दी हुई बातों से। शेयर कैपिटल है 7,00,000, रिजर्व एंड सरप्लस है 3,00,000, करंट एसेट है 1,50,000 और प्रोप्राइटरी रेशियो है 0.8:1। एक बार प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बताओगे, SHF शेयर होल्डर फंड बटे टोटल एसेट्स, वेरी गुड। और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, वेरी गुड, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर फंड आपका कितने रुपए बन गया, 10,00,000, वेरी गुड। तो अब टोटल एसेट्स निकालो, तो टोटल एसेट्स, पहले मुझे टोटल एसेट्स बताना क्या आएंगे सॉल्व करके। रेशियो आपको दे रखा है 0.8:1, तो शेयर होल्डर फंड है 10,00,000, तो टोटल एसेट कितना आ गया, वेरी गुड, 12,50,000। अब करंट एसेट्स उस पे से 1,50,000 के हैं, तो बताओ फिक्स्ड एसेट्स कितने, टोटल एसेट्स में से करंट एसेट्स 1,50,000 के हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स कितने के बच गए, 11,00,000, सही, बिल्कुल, तो सही आंसर हो गया 11,00,000। तो ये बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं, जिनको आता हो और जल्दी भी हो जाएंगे, बाकी जिनको नहीं आता उनको समय लगेगा। चलो ठीक है, एक और करके देखते हैं, 51 कर लेते हैं एक और। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 8,00,000 है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 times है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ
क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 20,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। चलो तो ये बढ़िया है, पहले आपको मौका देते हैं, तो एक बार आप करें जरा सोच सोच के। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो है 8 लाख और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5। एक बार इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताना। वेरी गुड, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, तो ये 25% हमेशा किसका मानते हैं हम, 25% ऑफ RFO। चलो तो अब आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है अगर ओपनिंग इन्वेंट्री से वो 20,000 ज्यादा है। तो एक बच्चा तो कह रहा है बी फॉर बॉम्बे, चलो करें डिस्कस। आइए जी, तो इतनी देर में हो जाना चाहिए। तो भाई आरएफओ है 8 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ आरएफओ, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो आप क्या सीओजीएस निकाल सकते हो? तो आरएफओ का फॉर्मूला होता है सीओजीएस प्लस जीपी। तो अगर आपके पास आरएफओ 8 लाख है, जीपी 2 लाख है, तो आपका सीओजीएस पहले आ जाएगा 6 लाख, पहले आप इस पड़ाव तक पहुंच जाओगे, राइट? फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपने अभी अभी मुझे बताया था कि सर सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में 5 दे रखा है, सीओजीएस 6 लाख आ गया, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री आपका आ जाएगा सॉल्व करके 1,20,000। तो आप अगले पड़ाव में यहां तक पहुंच गए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यहां तक ओके हो गया। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बटे 2। ओपनिंग इन्वेंट्री को मैंने एक्स ले लिया और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्योंकि उससे 20,000 रुपए ज्यादा है तो वो बन गई एक्स प्लस 20। तो जो आप देख रहे हो बस उसको सॉल्व करके मैंने पहले एक्स निकाल लिया, वो 1,10,000 आ गया। तो देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइनली मेरी जो आंसर में आई वो आ जाएगी 1,30,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का सही आंसर हो जाएगा 1,30,000 रुपए, ठीक है ना? तो पहले मैं ऑप्शन टिक कर लेता हूं, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही ऑप्शन बन गया। बाकी आपकी वर्किंग अगर देखने के लिए आपको रेफर करनी है तो ये है इसकी वर्किंग। तो 3 स्टेप्स में इसको तोड़ लिया ऐसा समझ लो, पहले सीओजीएस निकाल लिया 6 लाख रुपए, फिर उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाल ली 1,20,000 और फिर ओपनिंग इन्वेंट्री को एक्स लेट करके और क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स प्लस 20,000 बनाकर हमने पहले ओपनिंग निकाल लिया, एक्स आ गया 1,10,000, तो क्लोजिंग आ जाएगा 1,30,000। क्लियर हो गया पॉइंट, है ना? तो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन करना था बेसिकली। चलो इसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। 52-53 आपका होमवर्क हो जाएगा। 54 करवा लेते हैं आपसे। 54 में कह रहा है करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2.4:1, ठीक है, एंड इट्स करंट लाइबिलिटीज आर 2 लाख रुपए, ठीक है। तो पहले एक बार यहीं तक, बस आगे नहीं पढ़ रहा मैं, एक बार मुझे करंट एसेट बता सकते हो कितने होंगे? अगर करंट रेशियो 2.4 है और करंट लाइबिलिटीज 2 लाख हैं तो करंट एसेट्स कितने होंगे? 4,80,000, ठीक है, तो मैंने लिख लिया। अब वो कह रहे हैं सब्सिक्वेंटली, मतलब बाद में, इट सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000 रुपए। आपने 1,00,000 रुपए के गुड्स बेच दिए, अकाउंटिंग इक्वेशन सोचते रहना साथ साथ, तो आप अपने स्टॉक में से 1,00,000 रुपए माइनस करोगे और कह रहे एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, 40% मुनाफे पर आपने बेचा, तो इसका मतलब आपने 1,40,000 का बेचा, 140,000 का बेचा, कह रहे जिसमें से आधा
उधार पे बेचा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो आधा इसका मतलब आपने नकद में बेचा होगा और आधा आपने उधार में बेचा होगा। तो आधा आप कैश में प्लस करोगे, आधा आप डेटर में प्लस करोगे, अगर आप बचपन की अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे होते तो। और 40,000 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में जुड़ जाता। खैर, कैपिटल का यहां पे कोई रोल नहीं है। अब इस ट्रांजैक्शन के प्रभाव से अब आप देखो, हमारा स्टॉक कम हो गया 1,00,000 से, तो करंट एसेट्स कम हो जाएंगे पहले, लेकिन साथ ही साथ कैश भी बढ़ गया और डेटर भी बढ़ गया, तो हमारे करंट एसेट्स 1,40,000 से बढ़ भी जाएंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पूरी ट्रांजैक्शन के प्रभाव की वजह से करंट एसेट्स नेट नेट 40,000 रुपए से बढ़ जाएंगे? तो अब मैं करंट एसेट्स 4,80,000 हटाकर 5,20,000 लिख लूं हरे रंग से, तो आप सब बच्चे सहमत? ठीक है, तो अब आपको नया करंट रेशियो निकाल के बताना है कि क्या आएगा। तो नया करंट रेशियो अब क्या आएगा हरे रंग के हिसाब से? तो करंट एसेट हो गए 5,20,000 और करंट लायबिलिटी है 2,00,000, तो ये सॉल्व करके क्या आंसर आ जाएगा? 2.6:1। तो नाउ दिस विल बी योर न्यू करंट रेशियो। तो ये आपका नया करंट रेशियो आ गया। क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बस, आहा 55वां। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वही सेम कहानी पढ़ लेते हैं। कह रहा है गेन ऑन परचेज ऑफ ए रनिंग बिजनेस इज कैपिटल प्रॉफिट। तो पहले तो ये बताओ, आपने कोई बिजनेस खरीद लिया और उस पर आपको मुनाफा हो गया, तो ये आपका क्या रोज का काम है? रोज का काम तो नहीं है, तो ये तो कैपिटल प्रॉफिट है, ये बात तो ट्रू हो गई। रीजन वो भी पढ़ लेते हैं। रीजन में कह रहे हैं सच प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कह रहे अब उसका रीजन कह रहा है क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि आपके पास ये जो प्रॉफिट है ये कोई नकद में नहीं मिला है हमें, यानी कि कैश में नहीं मिला, या इस प्रॉफिट को आप डिविडेंड के तौर पे नहीं बांट सकते। मैं थोड़ा सा यहां पे क्लियर कर देता हूं, डिविडेंड के तौर पे कंपनी अपने कभी भी कैपिटल प्रॉफिट को नहीं बांट सकती, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट्स जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड माने जाते हैं। कंपनी को अगर कभी भी डिविडेंड देना होता है अपने शेयर होल्डरों को, तो वो हमेशा अपने रेगुलर प्रॉफिट्स में से देती है, यानी रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से देती है। तो उसने जो ये रीजन में लिख रहा है कि सच प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, तो ये बात क्योंकि मुझे बतानी है, समझानी है, तो मैंने बता दिया है कि ये बात सही है, ट्रू है। अब मैं दोनों को मिला के पढ़ लेता हूं कि क्या फाइनल आंसर बनेगा। तो गेन ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस इज कैपिटल प्रॉफिट बिकॉज सच प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो क्या है ऑप्शन ए, क्योंकि सही कह रहा है वो, कैपिटल प्रॉफिट उसी को कहा जाता है या उसको कैपिटल प्रॉफिट कहने का कारण यही होता है कि आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते डिविडेंड के तौर पे, इसीलिए उस प्रॉफिट को कैपिटल कहा जाता है। तो ये रीजन सही होता है किसी भी प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट कहने का। वो तो एक नजरिया है कि वो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता, लेकिन उसका मूल रीजन जो होता है वो ये कि दे आर नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा नॉलेज भी मिल गई। तो सही आंसर जो था इसका वैसे वो है ऑप्शन ए। चलो ठीक है, कहानी क्लियर। तो सारे देखो क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए। होमवर्क के जो रिमेनिंग थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर कंप्लीट करना, फिर बाकी हम कर लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।